सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप सभी को मेरा राम जी राम, आप सभी को दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप सभी को मालूम है दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण आदि असुरीय शक्तियों पर विजय प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना की, तथा आज के दिन भगवान अवधपुरी पधारे। हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन दिव्य था और वो विश्व में केवल एकमात्र ऐसे महान पुरुष थे जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा गया। कुछ मर्यादाएं जो आजकल ही काल के हिसाब से हमें रखनी चाहिए, और भगवान का ये संदेश ही है। प्रथम, भगवान रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया? उनको राज्याभिषेक होना था, पर माता पिता की आज्ञा का पालन उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए वो अपने पिता जी के कहे अनुसार उन्होंने अयोध्या नगरी को छोड़ 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। उनके लिए पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि थी, तो हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने लिखा है, 9-10 मास माता ने तक दिनों उनको काज कछु नहीं किया, 9 महीने तक माता घर में रहती है और माता पिता पालन पोषण करके बच्चों को बड़ा करते हैं, और फिर भी बालक यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित उनका पतन संभव है, इस बात में कोई दो राय नहीं। इनके विपरीत रावण पंडित था, फिर भी उन्होंने मासा और ईर्ष्यावश सीता का हरण किया, इसलिए वो उनकी विनाश का एक मुख्य कारण बना। हमें भी शुद्ध साकार और सात्विक भोजन और आचरण बार बार, यही हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन प्रेरणा देता है कि हमें कैसे माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान करना है। सभी को एक बार फिर दीपावली की मेरी तरफ से और VSS म्यूजिक एंड फिल्म स्टूडियो की तरफ से राम जी राम, राम जी राम।